राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा मामले में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी दंगे का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी का नेता है। आतिशी ने ट्वीट किया, जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी का नेता है। उसने बीजेपी की प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाई और बीजेपी में सक्रिय भूमिका निभाता है। आतिशी ने आगे लिखा, इससे साफ है कि भाजपा ने दंगे करवाए। आतिशी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरों को भी शेयर किया है। इन तस्वीरों में जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी नेताओं के साथ मंच पर नजर आ रहा है। एक तस्वीर में अंसार लोगों को हाथ दिखाते हुए भी देखा जा सकता है। इससे पहले आतिशी ने जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। आप विधायक आतिशी ने कहा, बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दो दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हमला करने वाले लफंगों को सम्मानित कर देश भर में ये संदेश दिया कि वो गुंडों और लफंगों के साथ हैं। जहांगीरपुरी की घटना की भी जांच होगी तो पता चलेगा कि दंगे कराने वाले भाजपा के ही लोग हैं। आतिशी ने ये भी कहा कि भाजपा दंगे करवाती है, कल हमारे नेता ने भी शोभा यात्रा निकाली थी, पूरा माहौल शांतिपूर्ण था, मुख्यमंत्री जी खुद सुंदरकांड के आयोजन में शामिल हुए, कोई समस्या नहीं आई। लेकिन जब भाजपा शोभा यात्रा निकालती है उनके लोग शामिल होते हैं तो दंगे हो जाते हैं। जहांगीरपुरी हिंसा पर दिल्ली पुलिस ने शुरुआती रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी है। वही जहांगीरपुरी में हिंसा प्रभावित क्षेत्र कड़ी सुरक्षा घेरे में है। अत्याधिक बैरिकेडिंग और अर्धसैनिक बलों के साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने खास योजना तैयार की है।